चैनल वन हर खबरों में धड़कती है देश की धड़कन, देश का तेजी से बढ़ने वाला आपका अपना न्यूज चैनल। चैनल वन न्यूज अब डिश टीवी के डीटीएच पर भी उपलब्ध, तो देखते रहिए चैनल वन न्यूज है देश की धड़कन, देश का तेजी से बढ़ने वाला आपका अपना न्यूज चैनल। चैनल वन न्यूज अब डिश टीवी के डीटीएच पर भी उपलब्ध, तो देखते रहिए चैनल वन न्यूज चैनल नंबर 567 पर। नेशनल हेराल्ड केस अब कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के गले की फांस बनता जा रहा है। इससे पहले हलके में लेने वाले कांग्रेसी हाई कोर्ट के फैसले के बाद बेचैन होने लगे हैं। वैसे तो मामला 90 करोड़ का है, लेकिन बीजेपी की माने तो इस केस में 1000 करोड़ का घपला हुआ है। इसको लेकर दिल्ली की राजनीति काफी गर्म हो गई है। जहां कांग्रेस इसे बदले की राजनीति बता रही है, वहीं बीजेपी के नेता इसे कानूनी प्रक्रिया मान रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। लेमन प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड से जुड़ी वित्तीय मदद के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने वर्ष 2012 में एक याचिका दायर की थी और कांग्रेस के नेताओं पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, जिसका मामला पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा है। इसी मामले को खारिज करने के लिए कांग्रेस हाईकोर्ट में गई थी, जहां से उसे बड़ा झटका लगा। इस पर पटियाला हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई, जिसने मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को रखी है। इस सुनवाई में राहुल और सोनिया को अदालत में पेश होना है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं सोनिया राहुल हाजिर हो। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद से देश की राजनीति फिर से गर्मा गई है। इसी मामले पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसे कोर्ट ने कुछ दिन के लिए मुलतवी कर दिया। कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को 19 दिसंबर को दोपहर के बाद 3 बजे पेश होने का आदेश दिया है। यानी फिलहाल 11 दिन के लिए दोनों को पेशी से छूट मिल गई है। वहीं नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस ने मोदी सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना रखने का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, मैं किसी से नहीं डरती। राजनीतिक बदले की भावना के होने के सवाल पर सोनिया ने मीडिया से कहा है कि मैं इस मामले को कोर्ट पर छोड़ती हूं, कोर्ट फैसला करे। कांग्रेस प्रवक्ता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि हमारा केस मजबूत है और हम कानूनी दायरे में अपनी लड़ाई लड़ेंगे। सिंघवी ने कहा है कि ये पूरा मामला राजनीतिक बदले के अलावा और कुछ नहीं है। एक बीजेपी नेता इस मामले को बेवजह तूल दे रहे हैं। सभी अभियुक्त अत्यंत शीघ्र जल्द से जल्द डेट में कोर्ट में पेश होने के लिए आतुर हैं और शीघ्र से शीघ्र डेट दें। हमारी इस याचना पे माननीय मैजिस्ट्रेट ने बहुत निकट की देश डेट हमारे मांगने पे दी है, 19 दिसंबर शनिवार 3 बजे। हमने उनको आश्वासन दिया कि वो चाहें तो उससे भी जल्दी डेट दे सकते हैं, लेकिन उस तारीख पे सभी अभियुक्त पेश होंगे। बीजेपी नेता और वकील सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली की निचली अदालत ने सोनिया और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में हाजिर होने के लिए समन भेजा था, लेकिन दोनों ने इस समन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उपस्थित नहीं है तो फिर अभिषेक सिंघवी ने कहा कि मैं ऐसा एक अश्योरेंस देता हूँ, एक विश्वास दिलाता हूँ
जिससे स्वामी भी संतुष्ट होंगे वो है कि आज हम नहीं आ सके क्योंकि ये कल ही ऑर्डर हुई थी। हम ये अश्योर करते हैं कि जो भी अगला डेट देंगे कोर्ट उसमें सारे आरोपी उपस्थित रहेंगे। तो इस अश्योरेंस पर इस विश्वास दिलाया जो इन्होंने कोर्ट को, जिसको कोर्ट ने लिखा है ऑर्डर में कि द कोर्ट डायरेक्ट्स ऑल द अक्यूज्ड बी प्रेजेंट ऑन 19th, तो 19th को 3 बजे सब उपस्थित रहेंगे। सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ जारी समन निरस्त करने के अनुरोध वाली उनकी याचिकाएं कल खारिज कर दी थी। अदालत ने निचली अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट देने संबंधी उनकी याचिकाएं भी खारिज कर दी थी, जिसके बाद मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को 19 दिसंबर को दोपहर के बाद 3 बजे पेश होने का आदेश दिया है। तो मामला बहुत ही संगीन है, गंभीर है, लेकिन बदले की राजनीति की बात अभी सामने आ गई है। और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जी। जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही दबंग नेता है हमारे साथ रविंद्र द्विवेदी जी, जो लगातार अपनी भावनाओं का इजहार करते रहते हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की तारीख में जिस तरह से ये फैसला आया है उसको हम चर्चा के जरिए तो आगे बढ़ाएंगे ही, लेकिन हम न्यूज़ रूम में हमारे संवाददाता है प्रदीप शर्मा। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप आम आदमी की भावनाओं को लगातार समझते हैं, उसको उठाने की कोशिश करते हैं अपने माध्यम से। सबसे पहले जयप्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो लगातार आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर आप झेल रहे हैं, आपने कहा कि हमने कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया जिससे हम कटघरे में खड़े हों, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, क्या आपको लग रहा है कि वाकई बदले की राजनीति कर रही है? बदले की राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, कोर्ट जो आदेश दी है उसका पालन करते हैं। और इसीलिए हमारे मनोज सिंघवी जी ने कहा कि जितना जल्द से जल्द तारीख मिले कि ताकि हम दिखा दें कि हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है, और वो आरोपी तो है नहीं। कोई भी केस दायर करेगा तो उसे आरोप नहीं लगता है, आरोप तब लगता है जब आदमी को न्याय सिद्ध हो जाता है। तो ये बदले की भावना, क्योंकि विकास का जो मुद्दा लेके चले थे कोई विकास कर नहीं पा रहे हैं, केवल लड़ाने का। जयप्रकाश जी, आपने एक लंबे समय तक आपने राज किया है इस देश में, ये तो मानते हैं आप? बिल्कुल। क्या जिस तरह से पूरा मामला जो अदालत में है, आपको लगता है कि अदालतें भी संचालित होती हैं राजनीति से, ये कहना चाह रहे हैं आप? क्योंकि ये अदालत में मामला है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा अदालत का तो मैं सम्मान करता हूं, लेकिन अदालत ने आरोपी सिद्ध नहीं किया है। अदालत का मैं सम्मान करता हूं, अदालत में जो भी केस दायर करेगा उस पर सुनवाई होगी, और सुनवाई होने के बाद जो निर्णय निकलेगा उसी को उसका निर्णय कहा जाता है। और वो अगर निर्णय है कि हम आरोपित हैं तब उस बात को आरोपित कहा जाता है। अभी तो उन्होंने दाखिल किया है, डेट रखा गया है, उसका निर्णय निकलने दिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी तरह के भ्रष्टाचार में हमारे नेता शामिल नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक बयान आया है सोनिया गांधी, और ये लोग अपना भ्रष्टाचार भुलाने के लिए जो कई तरह की भ्रष्टाचार हो चुकी है, आप देख चुके कि मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला, मध्य यहाँ राजस्थान में वो भगोड़े को और विदेशी निवेश भेज देना, यहाँ से भारत में काला धन लाने के बदले यहाँ से काला धन भेजना उसके द्वारा, इस तरह की तमाम सुषमा स्वराज का देख ही रहे हैं, यहाँ महाराष्ट्र में देख ही रहे हैं कि चिक्की घोटाला मुंडे पंकजा मुंडे जी का घोटाला का, इस तरह के ये लोग अपना भुलाने के लिए और कोई विकास न करने के, 200 रुपये किलो दाल चल रहा है, भाजी इतनी महंगी हो गई, तो ये सब भुलाने के लिए देश की जनता को सीधा सीधा बताइए जयप्रकाश जी कि हम कब मुक्त होंगे घोटालों से, भ्रष्टाचार से? बिल्कुल मुक्त होना इस चाहिए मैंने, लेकिन झूठा वादा करने वाला कहे जो मुक्त करेंगे, हमारे कांग्रेस पार्टी में जो भी आरोपी मिला सबको सजा दिया गया। यहाँ पर आरोपी को सजा देने का काम नहीं हो रहा है, उनको तो साथ में लेकर के चलने का काम हो रहा है, जैसे सुषमा स्वराज का आया, पंकजा मुंडे का आया, विनोद तावड़े जी का आया, वहां राजस्थान के मुख्यमंत्री का आया, लेकिन ये जो बदले की भावना की जो बात सामने आई है, फिर भी वो लोग लेके चल रहे हैं, वो लोग घोटाला दूर नहीं कर रहे हैं, बदले की भावना तो ये कर रहे हैं कि जब कुछ कर ही नहीं सकते तो कुछ ना कुछ तरह से उलझाया जाए, यह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोर्ट में तो अभी डाले हैं, इसका जब निर्णय निकलेगा तो ये आरोपित कभी साबित होने का कोई सवाल ही नहीं आता है।
और पैसा भी कांग्रेस पार्टी का फंड का पैसा था, समझे ना, कहीं बाहर से किसी का घोटाला किया हुआ पैसा, किसी को लूटा गया पैसा, इस तरह के नहीं है कि भाई जो इस तरह से चल रहा है कि इनके येदियुरप्पा जेल में रहे घोटाला करके आज इनके साथ फिर बन गए हैं, तो इस तरह का तो कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार करने वाले लोगों पर सजा किया है, इस पार्टी में भ्रष्टाचार करने वाले को समर्थन दिया जा रहा है, झगड़ा करने वाले को समर्थन किया जा रहा है। लेकिन एक डर भी महसूस हुआ है सोनिया गांधी जी को, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, मुझे डरने की कोई, बिल्कुल सही बात है, डराने की जो कोशिश किया जा रहा है झूठा मोटा, क्योंकि जो झूठा वादा करके जीत हासिल हो गया कि 15 लाख हर गरीब को मिलेगा, गरीब आज इंतजार कर रहा है कि उसका जीना मुश्किल हो गया है, तो जुमला साबित हो गया, तो हाँ, सबको पता, लेकिन ये इलेक्शन से पहले तो नहीं हुआ ना, गरीब तो फंस गया ना हमारे जैसे, और तमाम लोग गरीब तो फंस गए ना कि भाई ये झूठा वादा पर बहकावे में लोग आ गए, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, और ये लोग कौन से दिन ला दिए जिसको आज बच्चा बच्चा रो रहा है कि क्या यही दिन देखने के लिए। लेकिन कांग्रेस के लिए तो बुरा दिन है, ऐसा मानते हैं आप? कांग्रेस के लिए बुरा दिन नहीं है, कांग्रेस के, कांग्रेस लड़ती रहेगी आम आदमी के लिए, जनसेवा करती रहेगी, और इस तरह के झूठे बोलने वाले ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रहते हैं। आपके स्वामी जी जो है मंत्री बनने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, बीजेपी फिर भी उनको मंत्री नहीं बना रही है, कुछ ठोस काम नहीं कर ला रहे हैं, सब झूठा चीज लेके आ रहे हैं, वो अपने मंत्री बनने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, सच्चा या झूठा है ये तो अदालत तय करेगी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, अदालत तय करेगी, ये जो अदालत का हम सम्मान करते हैं, और अदालत में केस दायर किए हैं तो वहां जाना ही पड़ेगा, सुनवाई होगा ही, उसके बाद जो निर्णय आएगा, बड़े गंभीरता से हमारी नेता माननीय सोनिया गांधी जी ने बोला है कि जिस तरह से हमारी, लेकिन संसद नेता इंदिरा गांधी जी कभी डरती नहीं थी, वैसे मैं भी डरने वाली नहीं हूं इस झूठ साठ का कार्रवाई करने से। लेकिन ये जो संसद चलाने की बात करते हैं, एक तरफ पूरे हर तरह से चाय पार्टी पे जाते हैं, मोदी जी चाय पिलाते हैं सोनिया जी को, और दूसरी तरफ कांग्रेस के ही लोग राज्यसभा में जिस तरह से हंगामा करते हैं, लोकसभा में हंगामा करते हैं, समझ में नहीं आता। ये रविंद्र द्विवेदी जी, आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से जयप्रकाश जी बोल रहे हैं कि आप लोग भी भ्रष्टाचार करते रहे हैं, तो क्या भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार से ही हम काट सकते हैं या कोई और रास्ता निकलेगा? नहीं, जहाँ जहाँ पे मेरे बड़े भाई जयप्रकाश जी ने गिनाया है वहाँ पे कहीं पे भी अगर व्यापम घोटाला की बात की जाए तो व्यापम घोटाला शुरू हुआ था दिग्विजय सिंह के राज के समय से। इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात की, उनके बेटे का पैसा लगा हुआ था और उन्होंने कोई भी व्यक्ति अगर कंपनी चलाता है तो किसी के साथ भी व्यापार कर सकता है, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। रह गई विकास के और मोदी जी के कि झूठे वादे किए हैं, आज पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में मोदी जी का डंका बजा हुआ है, सराफत में और इसमें ईमानदारी में 80% हिंदुस्तानी बोलते हैं कि सबसे बड़ा अगर ईमानदार प्रधानमंत्री मिला हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद तो वह नरेंद्र मोदी जी। अभी मैं जी न्यूज का अपना आज तक का एक सर्वे बताता हूँ, वहाँ पे सर्वे हुआ तो मनमोहन सिंह जी को 15% मिला, राहुल गांधी को 2% मिला, ममता बनर्जी को 2% मिला, और सबसे बड़े ईमानदार हमारे केजरीवाल को 1% लोगों ने ईमानदार बोला। ये सर्वे वाले हमारे पास तो आज तक नहीं आए ना, आप लोगों के पास आए होंगे? नहीं, हमारे पास दिल्ली में भी कराए थे, मैं बता रहा हूँ, सर्वे बिहार में भी कराए थे, अभी अभी रतलाम का सीट आया, सर्वे बता रहे थे। आप सर्वे आप करा रहे हैं कि सब उल्टा हो रहा है। जयप्रकाश जी, आप जो आप जब बोल रहे थे तभी मैं आपकी बात सुना, अभी मेरी बात सुनिए। अभी राहुल गांधी जी कर्नाटक में एक कॉलेज में गए, उन्होंने स्कूली जो कॉलेज के छात्र थे उनसे पूछा क्या देश में विकास हो रहा है, सारे बच्चों ने यस बोला। राहुल गांधी अकेले व्यक्ति थे जो माइक में चिल्ला रहे थे नो नो नो, मगर सारे बच्चों ने उनकी बात का खंडन किया, उन्होंने बोला देश में सफाई अभियान क्या सही है, सारे बच्चों ने यस बोला, बोले देश का नाम रोशन हो रहा है, सारे बच्चों ने यस बोला। राहुल गांधी ऐसे मात्र एक व्यक्ति थे कि नो नो बैंक के अंदर चिल्ला रहे थे, इससे ज्यादा शर्मिंदगी उनको कहीं पे नहीं उठानी पड़ी थी। मैं टीवी में स्वयं देख रहा था कि उनका मुंह एकदम छोटा सा हो गया, वो अपने अकेले क्यों नो नो चिल्ला रहे थे। तो कांग्रेस की जो हालत हुई है ये भ्रष्टाचार के कारण हुई है, और भ्रष्टाचारी का अधिकार, ये जी को ही 200 रुपए किलो दाल मिल रहा है, उसका भी जवाब दे रहा हूँ, उसका भी जवाब, आप उसका भी जवाब दे रहा हूँ। मैंने आपको बोला, मैंने आपकी बात पूरी सुनी, अब आप सुनिए। 2004 में 30 रुपए किलो दाल थी, कांग्रेस आने के बाद सीधा 100 रुपए में पहुंच गई, 15 रुपए किलो शक्कर थी 2004 में, सीधा 50 रुपए किलो पहुंच गई, 20 रुपए लीटर दूध था,
40 रुपए में पहुंच गया, तब क्या महंगाई नहीं बनी थी? पहुंचा दिए उसको, देखिए नहीं आज कहां पहुंचा, नहीं तो वहां पे नहीं महंगाई बढ़ी, वहां पे नहीं महंगाई बढ़ी। आप मुझे ये जवाब दीजिए, जब 30 रुपए किलो दाल 100 रुपए में हो गई तभी महंगाई नहीं बढ़ी थी? तभी भी महंगाई बढ़ी थी। ये देखो इसी महंगाई के कारण जनता जनार्दन है, जनता दिल्ली से हटा दी, आज बिहार से हटा दी, आज गुजरात की जनता क्या कह रही है वो भी देख लीजिए। जनता जनार्दन है, वो लोगों का फैसला आ रहा है। आप झूठा बोल करके देश में कोई भी आदमी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता, वो तो समय बताएगा। बहुत मैं कम दिन अभी जनता ने आपको 10 साल के साथ छल, जनता ने 10 साल आएगी आप लोग सत्ता में, 10 साल आपको जनता ने दिए, मैं क्या बोलता हूँ, 5 साल उनको काम करने दीजिए। जनता के ऊपर जब आपको भरोसा इतना है तो जनता उसका जवाब देगी अगर वो गलत कर रहे हैं। 5 साल काम करने देंगे, लेकिन इस तरह से झगड़ा लगाना, हिंदू मुसलमान जात और धर्म पात पर झगड़ा लगाना, विकास का कोई नाम काम ना करना, जात और धर्म की बात कर रहे हैं, बढ़ाना, ये केवल कांग्रेस की एक वोट राजनीति के चक्कर में हुआ है। इस तरह का काम करेंगे, कांग्रेस की राजनीति और वोट नीति के चक्कर में देश का हाल हुआ है। आम जनता के साथ रहेगी, आपको मैं आस्तो जी बता देना चाहता हूँ, संविधान में सुनिए आप, संविधान में ये जो अपना कानून बनाया बाबा साहेब अम्बेडकर ने, अपना उसमें भी कांग्रेस ने आज तक उसको लागू नहीं किया है, जबकि उसमें बाबा साहेब अंबेडकर को इतना जिल्लत झेलनी पड़ी। तो कांग्रेस केवल वोट की राजनीति और झगड़े की बात कर रहे हैं। आज देश में कौन सा झगड़ा हो गया, कहां पे दंगे हो गए, आप अपने राज्य की गिनती गिना दीजिए, देश में कितने दंगे हुए? केवल एक मुद्दा, एक अशुणता का मुद्दा, एक आदमी की हत्या हो गई, हम भी उस हत्या के खिलाफ है। किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं होनी चाहिए, उस हत्या के ऊपर कुछ एजेंट खरीदे गए और जिस तरीके से देश को बदनाम किया गया, ये क्या कांग्रेस को शोभा देती है? ये बातें, देश बदनाम करके आप सत्ता हासिल करना चाहते हो? द्विवेदी जी, आपको लगता है कि इस देश के कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो अपनी तरीके से सोचेंगे? क्योंकि अगर अदालत की तरफ से बुलाया जाता है या फिर कानून के दायरे में काम होता है तो आपको नहीं लगता कि इस तरह का जो बयान आता है कि मैं डरने वाले नहीं हूं? नहीं, या कौन डर रहा है? बदले की राजनीति कर रहे हैं आप लोग? ये देश में चीफ जस्टिस ने भी कल बयान दिया कि इस देश में आम से आम आदमी को भी डरने की जरूरत नहीं है। माननीय सोनिया जी को किस व्यक्ति ने डरा दिया, किसने धमकी दिया, किसी भी व्यक्ति का नाम बताए? अगर वो चाहे ये सोचती है कि कोर्ट ने उनके खिलाफ आदेश दे दिया, आप हाजिर हो जाइए, वो डराने की बात हो गई, तो मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। लेकिन ये बदले की राजनीति जो करने की बात आ रही है, इसको कैसे आप परिभाषित करेंगे? कांग्रेस के किसी व्यक्ति को अगर कोर्ट बुलाती है और इसमें कहां से बदले की राजनीति हो जाती है? क्या कोर्ट किसी पार्टी के उसमें कार्य करती है? तो मैं समझता हूं 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया इस देश में, तो कांग्रेस ने हमेशा कोर्ट अपने हिसाब से चलाया, जजों ने कांग्रेस के हिसाब से आदेश दिया है। अगर इनकी भावना यही है तो या तो इन्होंने ऐसा कराया है, तो इनकी मानसिकता ऐसी है कि भाई यहाँ जज ऐसा कर सकते हैं, या तो फिर ये निराधार है और इनके ऊपर एक केस और दर्ज होना चाहिए देश की जस्टिस को बदनाम करने के लिए। जो भ्रष्टाचार कर रहा है, जो काला धन को लेके आने वाले थे, आप तो काला धन किसका है महाशय जी? काला धन है, काला धन लेके आने की बात कांग्रेस ने ऐसा कानून बनाया जाते जाते, सुनिए आप मेरी बात सुनिए, आज भी काला धन आ जाए, काला धन आ जाए, सब एक एक करके बोलेंगे तो जनता सुन पाएगी? सुनिए, जनता को साफ साफ सुनाई पड़ेगा, एक एक करके बोलेंगे, नहीं काला धन आज आ जाए, मगर जाते जाते कांग्रेसियों को मालूम था कि सारा काला धन हमारा है और इसको कोई ना कोई पार्टी अगर हमारे विरोधी आ गए तो उसको लाने कोशिश की जाएगी। इसके लिए ऐसा संविधान, ऐसा एग्रीमेंट बना है कि अगर किसी व्यक्ति का आप नाम ओपन करते हो, किसी व्यक्ति का पैसा ओपन करते हो कि इस व्यक्ति का ये नाम है और इसके अकाउंट में इतना पैसा है, उस व्यक्ति का पैसा आप ये देश में नहीं लेके जा सकते। ऐसा जाते जाते संविधान और कानून एग्रीमेंट करके गए, 600 आदमी का नाम उजागर किया, उसने उन्होंने कहा भी कि कांग्रेस के टाइम से प्रक्रिया चली आ रही थी नाम निकालने का, और 600 आदमी का 650 आदमी का नाम उजागर किया। 60 साल तक कांग्रेस की प्रक्रिया कौन सा आदमी कांग्रेसी था, क्यों नहीं बता दिया? 60 साल तक कांग्रेस ने पूरा नहीं किया, तो 1.5 साल में कैसे आप बोल सकते हो कि आप लोगों का जो है नहीं, आप जो पैसा है जिसके लिए आप लोग बचा नहीं रहे, मुझे अफसोस इस बात का जो कांग्रेसी यहाँ का पैसा आप भेज रहे हैं, वो एक नेशनल हेराल्ड का जो पूरा जो भ्रष्टाचार है उसको भी हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार का मामला हो सकता है, क्योंकि 90 लाख और 1000 करोड़ का जो अंतर है
उसको समझा जा सकता है। इस पर हम चर्चा करेंगे और ये समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि वाकई ये पूरा नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है। जवाहरलाल नेहरू से राहुल गांधी तक का सफर जो है इसमें कहीं ना कहीं से शामिल है। अभी फिलहाल जयप्रकाश जी आपको बहुत कुछ बोलना है, रविंद्र द्विवेदी जी आपको भी बोलना है, लेकिन पहले हम चलते हैं न्यूज रूम में जहां हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा है। प्रदीप, ये जो पूरा आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सरकार कह रही है कि हम बदले की राजनीति नहीं कर रहे हैं, सोनिया गांधी कहती हैं कि हम इंदिरा गांधी की बहू हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्या समझते हैं आम लोग अगर हम आपकी दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें तो? देखिए आशुतोष जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जिस तरीके से हमने देखा कि हमारे ही स्टूडियो में बैठ के दोनों नेता, दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की बात जहाँ कहते हैं कि हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश का बड़ा ही दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश में आरोप और प्रत्यारोप पर ही राजनीति होती है। चाहे जिस कांड की अगर हम बात करें, चाहे कोई हत्याकांड की बात करें या कोई दंगे की बात करें, तो वहाँ पर दो जो पार्टियाँ सत्ता में होती हैं उनके नेता कुछ और कहते हैं, जो विपक्ष में होते हैं वो और कहते हैं। जैसे अभी हमारे दोनों नेताओं ने साफ तौर से ये कहा, महंगाई का मुद्दा जिस तरीके से उठाया गया, हाँ। और अगर हम उस पर नज़र डालें कि 5 साल, जैसे द्विवेदी जी ने कहा कि 5 साल काम करने दीजिए, 5 साल के बाद इसका रिजल्ट देखिएगा, लेकिन क्या ऐसा, द्विवेदी जी से पूछना चाहूंगा कि 5 साल में क्या तब तक आपको लगता है कि एक मिडिल क्लास की फैमिली जो है वो अपना जीवन प्रसर कर सकती है? क्योंकि फोटो में देखेंगे टमाटर क्या हम? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें हाँ। तो जिस तरीके से आशुतोष जी, जनता जो है आज रिलीफ चाहती है, क्या बीजेपी सरकार जनता को रिलीफ दे पा रही है? क्योंकि जिस तरीके से वादे किए गए थे, गंभीर प्रश्न, जिस तरीके से वादे किए गए थे कि अच्छे दिन आएंगे लोगों को, और जैसे अभी दोनों लोग, दोनों नेताओं हमारे जो है वो काले धन के मुद्दे पर लड़ाई कर रहे थे, कि साफ तौर से द्विवेदी जी ने कहा कि कांग्रेस जाते जाते ऐसा संविधान बना गई कि जिससे पैसा नहीं लाया जा सकता, लेकिन वही बीजेपी ने भी तो चुनाव के दौरान कहा था कि हम 90 दिन में काले धन लाएंगे, क्या सोचकर कहा था? उसके बाद भी इनके नेता जो है लिस्ट जारी करते हैं, लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी कर दिया जाता है, नाम जारी होता है, उसके बाद उस लिस्ट पर क्या अब तक कुछ कार्रवाई की गई? आखिर वो लिस्ट के जो नाम उजागर हुए वो कहाँ गए, बताइए द्विवेदी जी। देखो मैं पहले महोदय जी आपको बता देना चाहता हूँ कि SIT उसमें गठित हो चुकी है, फर्स्ट चीज। सेकंड, आपने बोला यहाँ पे कि 90 दिन में, तो चुनाव में बहुत कुछ ऐसे वादे किए जाते हैं, आज जो शायद है सारी पार्टियां, कोई भी पार्टी हो नहीं पूरा कर सकती है, ये सब घपला ही है सब। नहीं घपला तो ये केवल बीजेपी ने ऐसा नहीं किया है कि घपला बीजेपी नहीं करती, बहुत सारे लोग अपने अपने चुनाव जीतने के लिए, कहावत है कि समर्थ को नहीं दोष को सा, यार जो समर्थ है उसकी गलती कहां मानी जाती है? रह गई लोगों की, आम आदमी के लिए, तो आम आदमी के लिए जिस तरीके से अगर महंगाई बढ़ी है उस तरीके से रोजगार की भी व्यवस्था की जा रही है। आज हमारे देश में कम से कम 400 कॉल सेंटर खोले जा रहे हैं जो आम अभी गांव में, जो कि बड़े बड़े मेट्रो सिटी के अलावा अभी जैसे छोटे छोटे शहरों में या जो मेट्रो सिटी वहां पे खोले जा। चेहरे पर मेकअप कर लेने से भूख नहीं मटती, आप स्मार्ट सिटी बना दीजिए, वो फ्लाई ओवर बना दीजिए, लेकिन गरीब के पास रोटी तो दीजिए। आखिर वो कॉल सेंटर कब मिलेंगे आम आदमी को? आखिर जिस तरीके से आज महंगाई है, अगर हम बात करें एक अगर दाल और टमाटर उलझे हुए, दाल टमाटर की छोड़ दीजिए, आप भी जो है रेलवे से प्रवास करते, आप भी यात्रा करते थे, जो टिकट 5 रुपया था प्लेटफॉर्म का, आज उसका रेट 10 रुपया हो गया है, उसको कहाँ भूल रहे हैं आप? जिस तरीके से महंगाई, क्योंकि जनता लगातार महंगाई की मार से परेशान है, और आप जो 5 साल गिना रहे हैं कि आसमान से गिरे तो खजूर में अटके लग रहा है आपको, कांग्रेस से मुक्ति पाने की कोशिश में हम भारतीय जनता पार्टी के हत्थे चढ़ गए हैं, ये कहना चाह रहे हैं प्रदीप आप? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहले ये होता था कि कांग्रेस महंगाई महंगाई, कांग्रेस को जनता ने इसलिए नकारा क्योंकि उनको ये लगा कि मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लोग जो है ये सोचकर मोदी जी को एक विश्वास में लेकर मत दिया था, लेकिन जिस तरीके से आज हम जब आम जनता के बीच में जाते हैं तो साफ तौर से ये कहा जाता है कि हमें हमारे पुराने दिन वापस दे दीजिए। यानी इसकी वजह क्या मानते हैं दुबे जी? क्योंकि जो जनता है वो ये बोलती है कि हमारे पुराने दिन वापस कर दीजिए। ये बड़ी चुनौती है दुबे जी आपके लिए? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मोदी जी आने के पहले ही हर भाषण में कभी किसी को नहीं बोले कि मैं मुफ्त में ये चीज दूंगा, उन्होंने बोली अगर आपको तरक्की करना है तो कड़वी दवाई पीना पड़ेगा, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो कड़वी दवाई आपको सेवन करना पड़ेगा, अगर लोगों को तकलीफ है तो तकलीफ से निजात भी जल्दी मिलेगी। मैं समझता हूँ कि तकलीफ है लोगों को, मगर जब हम किसी चीज को ग्रहण करते हैं या कोई अच्छा समय की जब वो करते हैं, आज हम उपवास रखते हैं, क्यों उपवास रखते हैं कि अब हमको भगवान प्रसन्न रखे, तो अगर हम एक दिन उपवास भी रखते हैं तो और भगवान से कामना करते हैं
कि हमारा अच्छा दिन आएगा, तो अच्छा दिन के लिए कुछ आदमी को तकलीफ सहना पड़ेगा। मतलब ये मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि मैंने ये मुफ्त दे दूंगा, ये मुफ्त दे दूंगा। उन्होंने बोला कड़वी दवाई आने के पहले, उन्होंने बोला देश की जो हालात किया है कांग्रेस ने 60 साल में, जितने घोटाले करके देश को खोखला किया है, उसके लिए देश की जनता को कड़वी दवाई पीना पड़ेगा। और ये कड़वी दवाई का फायदा 2-4 महीने में लोगों को समझ में आएगा। बहुत गंभीर बात कर रहे हैं दुबे जी। दुबे जी एक बात ये बताइए, मतलब अगर कड़वी दवाई, जैसे आपने कहा कि कड़वी दवाई पीने पड़ेगी, 200 रुपया प्रदीप सच कड़वा होता है, प्रदीप सच कड़वा होता है, ये जनता समझेगी। एक बात सुन, जनता जब समझ के प्रतिसाद देगी तो पता चलेगा कि सच कितना कड़वा होता है। जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी ये बताइए कि ये जो सच की बात सामने आ रही है, कड़वा दवा पीने के बाद गंभीर बीमारी को दूर करने की बात की जाती है, क्या आप लोग बहुत कड़वे थे क्या? जनता तो पुरानी आपके बताए ही हाँ। कि जनता बोल रही है कि हमारी पुराने दिन वापस करो। आपको गर्व महसूस हो रहा होगा, खुशी होती हो? नहीं महसूस होगा हाँ। कांग्रेस पार्टी ही है जो आम गरीब आदमी को लेकर चलती है इस बहकावे। लेकिन हमारा क्या होगा, जनता का क्या होगा? फर्जी सरकार बन गई और फर्जी सरकार जो है जनता को ठग ली है और आज महंगाई की मार में फर्जी सरकार कैसे कर सकते हैं? ये तो लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार अभी में बोल करके आया हुआ सरकार को फर्जी नहीं, जो झूठा बोल करके वादा करके आया हो, उस बात को न निभाता हो, उसको तो ये जनता फर्जी आपको नजर आ रही है प्रकाश जी? झूठा बोल करके जनता फर्जी नजर आ रही है, बोल करके जो सरकार में आगे बैठ गया, जनता फर्जी नजर आ रही है आपको, झूठ बोल करके आ गया। और जनता को फर्जी मत बताओ, इसीलिए बोल रहा है, जनता ने जनतंत्र में पुराना दिन 10 साल जब आपने घोटाले की पुरानी सरकार वापस कर दो, लेकिन ऐसी सरकार नहीं, ये केवल कांग्रेसी नेता काम कर रहा है। ये जो शब्द है कांग्रेसी नेता के अलावा कोई आम आदमी नहीं करता, मैं भी आम आदमी के बीच 5 रुपए का रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपया। चलिए अभी थोड़ी देर, जो है 70 रुपए का 200 रुपया, ये महंगाई से थोड़ा अलग मुद्दा है। आज का जो मुद्दा है, आम आदमी को तो रोजगार नहीं है, दूसरे जीना मुश्किल हो गया है, ये लोग कहां लेके जा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समस्याओं से तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन देंगे अभी देश के समक्ष जैसे चुनाव आता जा रहा है, दुनिया के समक्ष जो सबसे जो गंभीर प्रश्न है, प्रकाश जी दिल्ली ने इनको दे दिया अपना अमृत, बिहार में चुनाव आया, बिहार में भी बता दिया कि भाईचारा खत्म करने वाले को माफ नहीं किया जाएगा, भाईचारा खत्म करके ये लोग राज करना चाहते हैं, धर्म के नाम पर बांट करके कोई विकास करना नहीं चाहते, तो कांग्रेस पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है, सेक्युलर आपी है, साथ में लेकर चलेगी। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद खिलाफ लड़ेगी, इनको हटाएगी। ठीक है, जनता को अभी आपने फर्जी कहा, अभी आपको लग रहा है कि जनता इनको हटाएगी, तो इस देश में जनता ही जनार्दन है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा अस्त्र जनता के पास है, लेकिन राजनीतिक दल के जो लोग होते हैं उनको बार बार यही लगता है कि हम ही सबसे अच्छे हैं, हम ही सबसे भले हैं, लेकिन तय करने का काम जनता करती है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि नेशनल हेराल्ड जो एक अखबार था, जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ नाम है, एक अखबार की मौत हो जाती है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि इस अखबार को जिंदा किया जाए, 90 लाख का लोन दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे ये पूरा मसला क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे महंगाई की और अच्छे दिन की, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मसला है। तो लेमन प्राइम टाइम में अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर चर्चा करेंगे और कहेंगे सोनिया राहुल हाजिर हो। आपके घर आंगन से आपके अपनों का हाल, गांव की बातें शहर के हाल, सियासत की सरगर्मी और बदलते मौसम का हाल, यानी देश की खबर परदेश में। पूर्वांचल एक्सप्रेस
Hi, this is Zoa Morani and you're watching Lemon News. आपकी खबर हमारी नजर। नमस्कार, मेरा नाम है सूरज थापर, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज, आपकी खबर हमारी नजर। Hi, this is Poonam Dhillon and you're watching Lemon News, आपकी खबर हमारी नजर। हाय, मैं हूँ पद्मिनी कोल्हापुरे और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज, देखते रहिए आपकी खबर हमारी नजर। आप देख रहे हैं लेमन न्यूज, आपकी नजर हमारी खबर। हाय गाइस, मैं हूँ करण भाई और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज, आपकी खबर हमारी नजर। चैनल वन, हर खबरों में धड़कती है देश की धड़कन, देश का तेजी से बढ़ने वाला आपका अपना न्यूज चैनल। चैनल वन न्यूज अब डिश टीवी के डीटीएच पर भी उपलब्ध, तो देखते रहिए चैनल वन न्यूज, चैनल नंबर 567 पर। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन प्राइम टाइम में। मैं हूं आपका होस्ट अवनींद्र राजपूत। हम बात कर रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्यों डर लगता है, क्यों अदालत के पेशी से वो बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि जो भी सच होगा अदालत के जरिए सामने आएगा। और हमारे साथ जो नेता बने हुए हैं उनसे एक बार फिर आपको मिलवा देते हैं। जयप्रकाश जी हैं मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष और रविंद्र द्विवेदी जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, और न्यूज रूम से प्रदीप शर्मा है जो अपनी अपनी राय हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि इस बीच जनता क्या कहती है, क्या वाकई इस देश में बदले की राजनीति होती है, या जो भी मामला है पूरा जनता खासकर मुंबई की जनता क्या सोचती है, पहले उनको सुन लेते हैं। हाँ, तो 19 दिसंबर को जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा वो ठीक होगा, हमें कोर्ट पर विश्वास है कि नहीं। हम इस देश में रहते हैं जहाँ पर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, सरकार का कोई हाथ नहीं है, सरकार जुडिशरी दोनों अलग हैं, इसमें सरकार का क्या लेना देना। जो कोर्ट डिसाइड करेगी, जुडिशरी डिसाइड करेगी, लेट इट बी, चाहे सही है या गलत है, सारे पहलू रखे, सोनिया गांधी अपने पहलू रखे, मैं कसूरवार नहीं हूँ, और जो भी है दूसरे पक्ष जो भी है वो अपना रखेगा। अब कोर्ट डिसाइड करेगा अभी कानून के हिसाब से कौन सही है या कौन गलत है। कल तक कांग्रेस पावर में थी तो जो भी राज अपना सोनिया गांधी और कोई बोलता है तो वो पावरफुल होता है, आज ये है तो ये अपना पावर दिखा रहे हैं। कल बीजेपी रहे या नहीं रहे, कल थोड़ा सा और उनका सीट कम पड़ता है तो कांग्रेस अपना फिर पावर दिखाएगी। आज तक किसी स्कैम का, किसी भी बात का, मतलब जो भी कांड हुआ है कुछ आपको रिजल्ट मिला नहीं मिला, इसका भी नहीं आएगा। जो सोनिया गांधी जी जो बोल रही हैं या मोदी जी जो बोल रहे हैं वो तो हर दोनों पॉलिटिक्स ही खेल है ना। अगर कोर्ट ने डिसाइड किया है कि वो एक्यूज हैं तो सोनिया गांधी जी को कोर्ट में जाना चाहिए, उसे मोदी जी का क्या हाथ है, मोदी जी ने थोड़ी उनको एक्यूज़ किया है, वो तो कोर्ट ने उनको एक्यूज़ किया, देन कोर्ट विल डिसाइड व्हाई दे आर डिनाइंग दैट फैक्ट। ऐसा है कि अभी जो सोनिया जी ने कहा है कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूँ, किसी से नहीं डरती, तो ये कहने से पहले उनको ये सोचना चाहिए कि वो इंदिरा गांधी की बहू है, कांग्रेस की सर्वोसर्वा हैं और भारत उन पर नाज करता है, मतलब वो विदेश से आई हैं, लोग कहते हैं, मैं भी जानता हूँ। रही बात मोदी जी, उनको मोदी जी के लिए जो उन्होंने कहा है कि ये बदले की राजनीति करते हैं, तो मैडम ऐसा नहीं है। बदले की राजनीति अगर हो रही है तो हिंदुस्तान बहुत ही गर्त में चला जाएगा, और प्लीज़ इस तरीके का स्टेटमेंट आप नहीं दें तो हम भारतीयों के लिए बड़ी मेहरबानी होगी। जी, सोनिया जी ने जो ये कहा है कि मैं इंदिरा जी की बहू हूँ, सही बात है, उनकी बहू हैं और पूरे देश की बहू भी हैं, और अगर वो सही हैं, ये केस जब कोर्ट तक जाएगा, अगर वो सही हैं तो वाकई उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। और यूँ मोदी जी का नाम लेना भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है कि वो उनके विरोध में हैं, क्योंकि सभी को अपना अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, और सच्चाई क्या है वो लोग। तो जनता की भावनाओं का आदर हर युग में होता है, होता रहेगा, क्योंकि जनता जब भी बोलती है दिल से बोलती है, सच्चाई का सामना तो
नेताओं को करना ही पड़ेगा। लेकिन नेशनल हेराल्ड जिसने एक नए सच को जन्म दिया है फिर से, क्योंकि ये 90 करोड़ का लोन था और जाहिर है आज इसको लेकर जिस तरह से विवाद हो गए हैं, बदले की राजनीति का आरोप लग रहा है या फिर सरकार कह रही है कि हम बदले की भावना से काम नहीं करते, तो पूरा मामला आखिर है क्या, एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। मामला उस 90 करोड़ के कर्ज से जुड़ा है जो कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के अखबार नेशनल हेराल्ड को चलाने वाली कंपनी AJL को दिया था। 90 करोड़ के कर्ज को सोनिया और राहुल ने अपनी कंपनी यंग इंडियन के जरिए चुकाने का करार किया और बदले में नेशनल हेराल्ड चलाने वाले कंपनी AJL के 90% शेयर ले लिए। फिर इसमें खुलासा हुआ कि इस लेन देन पर आयकर विभाग को काफी शक है। दरअसल AJL ने 90 करोड़ का लोन चुकाने के लिए ना तो कांग्रेस पार्टी के नाम कोई चेक जारी किया और ना ही कांग्रेस पार्टी के नाम कोई डिमांड ड्राफ्ट दिया गया। आसान भाषा में कहा जाए तो शब्दों में कहा जाए तो आयकर विभाग ने शक जाहिर किया कि कहीं AJL ने ये लोन कैश में तो कांग्रेस को वापस नहीं कर दिया। इस शक को आयकर अधिकारी ने इस तरह से जाहिर करते हुए कहा कि AJL कंपनी ने आयकर कानून की धारा 269T का उल्लंघन किया है। इस धारा का मतलब होता है कि 20,000 रुपये से ज्यादा का भुगतान चेक या ड्राफ्ट के जरिए ही किया जा सकता है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि हजारों करोड़ों की कंपनी सिर्फ 90 करोड़ में सोनिया राहुल की कंपनी यंग इंडियन के हिस्से कैसे आ गई। दरअसल नेशनल हेराल्ड को चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स को कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन इस नाम पर दिया था कि अखबार को फिर से चलाया जा सके, जिंदा किया जा सके, लेकिन नेशनल हेराल्ड जिंदा नहीं हुआ। लखनऊ में नेशनल हेराल्ड के पहले संपादक रहे रामा राव के बेटे के विक्रम राव के आरोप लगा रहे हैं कि कंपनी फोर्थ स्टेट से रियल इस्टेट बन गई है, यानी पत्रकारिता से प्रॉपर्टी में बदल चुकी है। साल 2008 से हेराल्ड हाउस में अखबार निकलना बंद हो चुका है। जानकारी में यह भी बात सामने आई है कि 4 मंजिला इमारत में 4th माले पर हेराल्ड ऑफिस का दफ्तर है जहां चेयरमैन बैठते हैं। दिल्ली के बाद बात लखनऊ की जाए तो लखनऊ में नेशनल हेराल्ड की 2 संपत्तियां हैं। इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल की इमारत कभी नेशनल हेराल्ड अखबार का दफ्तर हुआ करती थी। 1938 में लखनऊ के कैसरबाग इलाके में अखबार निकलना शुरू हुआ था। 70 साल बाद अखबार बंद हुआ और यहाँ इंदिरा गांधी के नाम पर आँख का अस्पताल खोल दिया गया जिसका मालिकाना हक राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का है। लेकिन अगर जानकारों की बात करें तो वरिष्ठ पत्रकार और नेशनल हेराल्ड के विक्रम राव आरोप लगा रहे हैं कि इस संस्था में कई घोटाले हुए जिसकी जांच होनी ही चाहिए। अब जरा दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर हरियाणा के पंचकुला में चलिए। पंचकुला के सेक्टर 6 में बनी इमारत नेशनल हेराल्ड चलाने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की है। इमारत नई बनकर तैयार हुई है लेकिन खाली पड़ी है। इमारत के चौकीदार का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं का यहाँ आना जाना लगा रहता है और खूब मीटिंगें हुआ करती हैं। लखनऊ और दिल्ली की तरह ही नेशनल हेराल्ड अखबार के लिए सरकार से लीज पर जमीन ली गई थी। जमीन भोपाल में ली गई थी। 1980 में BDA यानी भोपाल विकास प्राधिकरण ने 1,14,000 रुपये में यह जमीन दी थी जिसे 1990 में अखबार बंद होने के बाद विकास के नाम पर बिल्डरों को दे दी गई। अब इसका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। नेशनल हेराल्ड अखबार के पूर्व कर्मचारी मोहम्मद सईद का कहना है कि अखबार के ट्रस्टियों ने इसे बिल्डरों और दुकानदारों को बेच दिया। नेशनल हेराल्ड की मध्य प्रदेश के इंदौर में क्या कहानी है वो भी जान लेते हैं। जब अर्जुन सिंह MP के CM हुआ करते थे उस दौर में इंदौर में नेशनल हेराल्ड को 22,000 वर्ग फीट जमीन औने पौने दाम पर दे दी गई थी। उसके बाद 30 साल तक जमीन का कोई उपयोग ही नहीं हुआ। इंदौर के प्रेस कॉम्प्लेक्स में A1 नंबर का प्लॉट नेशनल हेराल्ड को दिया गया था। 2008 में जब नेशनल हेराल्ड अखबार निकलना बंद हो गया तो उसके एक साल बाद 2009 में इंदौर से नेशनल हेराल्ड अखबार चालू हुआ था लेकिन वो भी विवादों में घिर गया। तो विवादों का एक लंबा नाता रहा है नेशनल हेराल्ड का और जाहिर सी बात है आज इसी को लेकर पूरे देश में, खासकर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें और छोटी मोटी और भी पार्टियाँ हैं जो दोनों का पक्ष लेती हैं तो उनके अंदर विवाद की आग फैल गई है। तो नेशनल हेराल्ड एक बहुत ही जाना माना नाम है और इस देश ने बहुत सारे अखबारों को देखा है लेकिन अखबार के जरिए भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस के साथ जुड़ती चली जा रही है। कितनी तकलीफ होती है जयप्रकाश जी जब इस तरह की घटना सामने आती है और आरोप लगता है। देखिए ये पैसा किसी आदमी का भ्रष्टाचार नहीं है, कांग्रेस पार्टी का पैसा, कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस का एक अखबार जो था जो बंद था 70 साल से उस अखबार को जिंदा करने के लिए चलाने के लिए यूज किया गया।
और उसी को जिंदा करने के लिए सब हुआ। जिस ऑफिस में कार्य नहीं चल रहा है वहाँ आँख का अस्पताल खोल दिया गया ताकि पब्लिक के काम आवे। तो कांग्रेस ने गलत ध्येय से कहीं कुछ नहीं किया है। जो आप यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग जो हुए हैं जो कहीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो नोट गिनते हुए पकड़े गए थे, बहुत पुरानी बात हो गई, कहीं कुछ कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने इसको भ्रष्टाचार के रूप में नहीं लिया है। एक बंद कांग्रेस पार्टी का फंड है और एक कांग्रेस पार्टी का एक अखबार जो बंद हो गया था ये फंड, लेकिन आपका अपराध तो नहीं है ना, तो कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी के लोगों का है, कांग्रेस पार्टी के लोगों का है। कांग्रेस पार्टी का ही अखबार जो बंद हो गया था उसी को चलाने के लिए उसको यूज किया गया, उसको चलाने का प्रयास किया गया। और जो पहले जहां नहीं चल सकता बड़ी राशि वहां आंख का ऑपरेशन करने का हॉस्पिटल खोल दिया गया ताकि ये भी जनता के काम आवे। यह नियत भ्रष्टाचार का नहीं था। अब उसमें लेन देन करते समय किस तरह करना चाहिए ऐसा कोई धारा होगा तो कोर्ट में जवाब देने के लिए हमारे नेता खड़े हैं। लेकिन द्विवेदी जी के पास कोई खराबी नहीं है, द्विवेदी जी के पास किसी दूसरे का लूटपाट नहीं हुआ है, किसी से कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, लेन देन में कोई तरीका गड़बड़ हो उसी का केस चल रहा है और कोई केस नहीं। जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी आप ही के पास आ रहा था, प्रदीप बोलिए। जयप्रकाश जी मेरा एक सवाल यह है कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट जो आदेश देगी हम उसको मानेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ आप मीडिया के सामने इस तरह का स्टेटमेंट देती है कि हम किसी से नहीं डरते, हम इंदिरा जी की बहू है। मतलब इसका क्या मतलब, जनता को क्या संदेश देना चाहती है? अगर आपको नहीं डरती है, आपको डर नहीं है तो आप 19 तारीख तक वेट करती, 19 तारीख को जब कोर्ट में आप पेश होती, अदालत का क्या फैसला आता, फिर आप अपना स्टेटमेंट देती। नहीं लग, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं सोनिया जी पूरी तरीके से डर चुकी हैं इसीलिए इस तरह का स्टेटमेंट दिया? किरण राव की तरह, आमिर खान की जो पत्नी है किरण राव। मैंने ऐसी बात नहीं है, कोर्ट का सम्मान वो भी करती हैं, राहुल गांधी जी करते हैं, हम सब लोग करते हैं, भारत में रहने वाले जितने लोग हैं सबको करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट सर्वोपरि है, उसके न्याय के अनुसार ही सबको रहना पड़ता है, ये अधिकार संविधान में दिया गया है, वो भी करती है। लेकिन लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हो रहा है, जिस तरह से बयानबाजी करके डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है, उसके लिए तो कहना ही पड़ेगा कि इस तरह से बयानबाजी करके कि घपला कर दी, घपला कर दी। आप भी जानते हैं कि ये पैसा कांग्रेस का है, कांग्रेस पार्टी का फंड है और कांग्रेस पार्टी के बंद हुए अखबार को चलाने के लिए लिया गया। अब तक तो आपने अपने विरोधियों को डराया, विपक्षियों को डराया, अब जो है इसी को घपला कर दिया, घपला कर दिया, इस तरह से बयान दे दे करके। जयप्रकाश जी, जिस तरह से आपने कई जगह से, जैसे येदियुरप्पा जी ने तमाम घपला किया, तमाम आपके मुख्यमंत्री घपला किए और सबको आपके लेके चल रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इस तरह का तो काम नहीं किया है। जयप्रकाश जी, जैसे आपने कहा कि घपला कर दिया, तरह तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं सोनिया जी इस तरह का बयान दे रही, मतलब आप यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल, इस तरह का जो झूठा मतलब बयान दिया जा रहा है, किसी को घेरोगे तो आदमी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कह ही देगा। इस देश में एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन डराने की कोशिश करेगा तो आज तो जी में एक बात सुरक्षा चाहता हूं, कांग्रेस की स्वच्छता राजनीति की और ईमानदारी राजनीति की, जो आज कांग्रेस का माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का ये हरल केस देख रहे हैं। मनु सिंघवी जी क्यों सस्पेंड हुए थे आपको मालूम है? कांग्रेस की छवि क्या है? एक महिला को जज बनाने के वजह में उसके कपड़े उतरवा रहे थे, वो स्टिंग ऑपरेशन पूरी दुनिया ने देखा। कांग्रेस की छवि, कांग्रेस केवल इस देश में लाल बहादुर शास्त्री के अलावा इस देश में कांग्रेस का ऐसा कोई नेता ईमानदार और स्वच्छ छवि वाला नहीं हुआ है, मैं गारंटी के साथ और प्रैक्टिकल बता देना चाहता हूं। मनु सिंघवी जी जो आज खड़े हैं, कार संसदीय कार्य मंत्री थे और उनको इसलिए सस्पेंड किया गया था क्योंकि एक महिला से वो कपड़ा उतारने के बजाय में एक जज की पोर्ट देने वाले थे। कॉमनवेल्थ घोटाला कांग्रेस की प्रॉपर्टी थी, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कांग्रेस की प्रॉपर्टी थी। कितने घोटाले होने के बावजूद आज लालू प्रसाद ने घोटाले किए, आप उनके साथ में खड़े हो, ये तुम्हारी नीति है? केवल एक सेकुलर का ड्रामा पहना करके लोगों के दिलों में दहशत फैला के, जिस तरीके से कांग्रेस ने लोगों के दिलों में धर्म के नाम पे दहशत फैलाई है, आज वही उनके दिमाग में छाया हुआ है। उसी के लिए उन लोग ने एक एजेंट हायर किए और जिस तरीके से वो एजेंटों ने जाके एक ड्रामा मचाया, ये अवार्ड वापिस हो रहा है। बिहार इलेक्शन के बाद कौन सा अवार्ड क्यों नहीं वापिस हुआ? और मैं एक शर्मा जी, मैं एक बात, बिहार इलेक्शन तक ही पूरा ड्रामा चला, पूरा 2-4 चैनल वहां पे मैनेज किए गए,
दो चार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ड्रामा बचाया कि मैं इतना ईमानदार हूं, आज उनकी ईमानदारी क्या है, सीधा 400 गुना आज विधायकों का वेतन बढ़ गया, आम पब्लिक त्राई त्राई कर रही है। तो आज कांग्रेस की नियति जैसी थी, कांग्रेस जैसी सोचती थी, कांग्रेस जैसे करती थी, आज उनके दिलो दिमाग में वही बात गूंज रही है और वही ये बयान का वही एक नतीजा है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता जी। आज हमारा जो मुद्दा है वो किसी नेता के करेक्टर को लेकर नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि हमारे ये मुद्दा क्यों उठाया शर्मा जी, मुद्दा क्यों उठाया इन्होंने, जब बात जो ये है कि हमारे देश में घोटाले आखिर बंद कैसे होंगे, घोटाले चाहे कांग्रेस के राज्य में बात की जाए और चाहे आपके राज्य में, घोटाले कम नहीं हो रहे हैं शर्मा जी? मैं बोल रहा हूँ घोटाले तभी बंद होंगे उस व्यक्ति को, आप आज में बड़े एक चैनल में बड़े इत्मीनान से बोलना चाहता हूं, जब तक हमारा देश एक संविधान और एक कानून के ऊपर काम नहीं करेगा तब तक कोई चीज और किसी भी पार्टी पे आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हो। आज आप एक चपरासी की नौकरी पाने के लिए आदमी को ग्रेजुएट होना जरूरी है, एक झाड़ू अपना आदमी है जो अनपढ़ जाके मुख्यमंत्री बन सकता है, एक और वो IPS IAS के ऊपर अपना ये रुतबा झाड़ सकता है। आप आज बिहार का देख लो, एक नवी पास जो शपथ ग्रहण नहीं कर सकता है, बड़े अफसोस की बात है, वो आज उप मुख्यमंत्री बना बैठा हुआ है और वहां पे जो IAS IPS जो पढ़ के दिन रात आंख फोड़ करके उस पोस्ट में जाते हैं, वो बेचारे वहां पे उसके आर्डर पे और उसको सलामी देते हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का। बोल रहा हूँ सुनिए, आप जब सर्टिफिकेट वो नहीं दिखा रहा है, 9 पास है तो 9 पास है, यहाँ तो डिग्री का सर्टिफिकेट लेकर के यहाँ का शिक्षा मंत्री बोल रहा है कि मैं डिग्री पास हूँ, मैं सबके लिए सुनिए, मैं एक पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर पार्टी के लिए, हर राजनीतिक पार्टी के लिए बात कर रहा हूँ, मैं एक पार्टी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ कि आप एक पार्टी में आप अपने ऊपर जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन अभी एक तो जब जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है तो आप उसको क्यों नहीं मानने को तैयार है? पूरा मान रहा हूँ। कहाँ मान रहे हैं आप? तरह से आपने झूठा वादा कर दिया, अब फिर आप वोट पर जिस तरह अब जनता जो है लेकिन बदले की राजनीति का तगड़ा मिला रहा है ना, सुनिए आप पूरी बात तो सुनिए, जहाँ चुनाव हो रहा है जनता जनार्दन का फैसला देखी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन ने फैसला नहीं दिया, बाकी सबको जनता जनार्दन फैसला दे रही है। ट्रैक चेंज मत करे, चेंज नहीं, मैं सारी पार्टियों को बोल रहा हूँ, जो बोल रहे हैं उसका जवाब देना पड़ेगा, जवाब मैं वही जवाब दे रहा, मैं एक पार्टी का नाम लेकर के नहीं बोला कि फला पार्टी में, हर पार्टी के आदमी को अगर हम चलिए संविधान ऐसे समझते हैं, जयप्रकाश जी के चरित्र पे जा रहे हैं, जयप्रकाश जी कहीं जा रहे हैं, अरे चरित्र पे आप किसी के चरित्र पे आप जब किसी दूध के धुले हुए हैं, किसी को कांग्रेस पार्टी का कोई आदमी इनके साथ जुड़ जाता है तो भी गंगा जल बन जाता है, जयप्रकाश जी सब कांग्रेस में रहता है, तो ये जयप्रकाश जी क्या संजय निरुपम, एक मिनट, अब आप ऐसी बात कर रहे, कल तक संजय निरुपम आपको सांप्रदायिक थे, आपके पास आने के बाद सेकुलर हो गए, तो आप क्या हैं? आप दूसरे पे उंगली उठाने के पहले तो साफ हो गए, लड़ते थे वहां पे, आए तो साफ हो गए, वो अटल बिहारी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से लड़े कि आपने नहीं, वहां पे रहे तो वहां पे थे तो गंदे थे और आपके पास आने के बाद गंदा जल हो गए, आपने BSES को रिलायंस के हाथ में क्यों बेच दिया और इस तरह का अत्याचार जब घोटाला उनको बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने वो पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में आए। नहीं, आपके दुबे जी और जयप्रकाश जी दोनों लोगों से मेरा एक ही सवाल है कि आज जिस तरीके से बदले की राजनीति का जो मुद्दा उठा है कि बदले की राजनीति की जा रही है, हमें डराया जा रहा है, क्या आप लोग इससे सहमत हैं कि यहाँ पर इस समय भारत में बदले की राजनीति हो रही है? डर का माहौल है खासकर नेताओं में। जयप्रकाश जी आपको डर लगता है? आप महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, मुंबई में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते हैं, क्या आपको लगता है कभी कि डर है? डर हम डर के रहेंगे ही नहीं। हाँ। नहीं वो अलग बात है। बयानबाजी क्यों दी जा रही है? डर के नहीं रहेंगे। आपको डर लगता है? बात वो भी कह रही हैं कि जिस तरह से हमारी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी निडर थी, डरा कौन रहा है? जिस तरह से कौन डरा रहा है? नेता कौन डरा रहे हैं? कितना डरा कौन रहा है? ये तो प्रयास चाहते हैं कि डरा कौन रहे उनको, ये आपको बता दिया। कांग्रेस पार्टी का फंड था, कांग्रेस पार्टी के बंद अखबार को जलाने के लिए की बात ही नहीं हो रही है। पे दूसरा है कह करके जो आरोप लगा रहे दूसरा है, इसलिए बोल रही हैं कि हम न्यायालय को ये सब बता देंगे, आप हमको डराने की कोशिश मत करिए, ये वो कह रही है। जयप्रकाश जी
जिस तरीके से आप हमेशा एक ही बात कह रहे हैं कि ये जो फंड था वो कांग्रेस पार्टी का था, ये किसी ने नहीं पूछा कि ये पैसा किसका था। यहाँ सवाल ये है कि आखिर क्या अखबार को लेकर घोटाला हुआ है? अखबार तो जिंदा नहीं हुआ, अखबार जिंदा नहीं हुआ। 90,000 करोड़ का जो है, 90,000 करोड़ का जो है लोन भी सैंक्शन हो गया, आखिर वो पैसा गया कहाँ? उसमें किस तरह से लेन देन में, जैसे आपने कहा कि लेन देन में हो सकता है कुछ घोटाला हो, जिसका निर्णय 19 तारीख को, जब घोटाला नहीं है लेन देन में कुछ कार्रवाई करने में, जैसा आप बोला ना कैसे ही हो गया, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन हो सकता है, हम भी वही मान रहे हैं कि हो सकता है कुछ कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, लेकिन कुछ कहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से हमारा सवाल था कि क्या आपको डर लगता है? नहीं, डर नहीं लगता है। तो फिर क्यों कहते हैं कि हमारे नेता इसलिए कहे कि आप चाहे किसी तरह से हमको आप झूठा साबित करें, फंसाने की कोशिश करें, अदालत के रहते हैं, हमको डरना नहीं, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हम साफ है, ईमानदार है, उस तरह से उन्होंने निभाया है, उनके उनके रहते हुए जितने लोग घोटाला किए सबको उन्होंने सजा दिया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो या हमारे गठबंधन के लोग हों, सबको उन्होंने, लेकिन नेशनल हेराल्ड के पूरे बैकग्राउंड को हमने ये सरकार एक है जो किसी को सजा नहीं दे रही है, चाहे कितना भी घोटाला आवे कोई सजा नहीं दे रही है, उनको मंत्रिमंडल में लेके आगे चल रही है। लेकिन नेशनल हेराल्ड का पूरा जो आपने सच्चा कच्चा चिट्ठा सुना, सच सुना, आपको नहीं लगता कि पूरा जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है उसको लेकर भी शायद डर आ गया हो सामने? अभी ये अपील ठीक है, अदालत बताएगी, मैटर अपील किया गया है, कोई निर्णय तो आया नहीं है। अपील करने से आदमी आरोपी नहीं बनता है, न्यायालय नहीं, न्यायालय का मान सम्मान सब करते हैं। हमारे वकील ने तो बोला जल्दी 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 हमको डेट दीजिए, खौफ होता ही है, जल्दी जल्दी इसका डेट दीजिए ताकि हम इसमें पेश कर सकें। जैसे जयप्रकाश जी ने कहा कि हमारे वकील ने डेट मांगी जल्दी से जल्द, लेकिन अगर आप सच हैं, आपको डर नहीं लगता है, तो आपको वेट करना चाहिए था 19 तारीख को, जब आप कोर्ट में प्रोड्यूस होते तो फिर पता चलता कि आप आरोपी हैं, कि आप जो है बेकसूर है, बेकसूर आपको बरी किया जाता है अदालत से। लेकिन उसके पहले इस तरह का स्टेटमेंट देना क्या एक राष्ट्रीय लेवल के नेता को शोभा देता है जयप्रकाश जी, कि मैं डरती नहीं हूँ, मैं फला इंदिरा गांधी की बहू हूँ? मतलब आप क्या क्या बताना चाहती हैं जनता को? जनता में कहीं ना कहीं से गलत भावना जा सकती है, कोर्ट आप तो मानते हैं ना, कोर्ट जो है अपनी सच्चाई से काम करेगी, बिल्कुल, तो कह रही है इसका मतलब ईमानदारी से कह रही है, चुप होकर के डर करके कि हमने कुछ किया है, ईमानदारी से कर रही है कि जो सामने आना मोदी जी तो यही कहेंगे ना, मैं चाय वाले का बेटा, ईमानदार हैं, निडर हैं, जो लाना है लाइए, कोर्ट जो न्यायालय देगा हम फैसला मान्य करेंगे, और जो जो चारों तरफ से घेरा जा रहा है इसलिए वो कर रहे हैं। ऐसे में तो मोदी जी, यानी आज अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ बैकग्राउंड बताना जरूरी है कि कोर्ट का जो फैसला है हमें मान्य है, तो बयानबाजी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? बयानबाजी कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं। जो लोग कर रहे हैं उसी के लिए कर रही हैं कि हमको इस तरह से डराया धमका न जाए, हम तो जल्द से जल्द कोर्ट का सामना करना चाहते हैं। उनका वकील भी हमारा बोला है, मनु सिंह जी बोले कि हमको जल्द से जल्द तारीख दीजिए कि हम दिखा दें कि हमारे पास क्या है, हमको डरना नहीं है, क्योंकि हम सच हैं, ईमानदार हैं, और जो हमारे हमारे राज्य में भी जो घोटाला किया उसको हमने सजा दिया। अभी का शासन ऐसा चल रहा है, महंगाई भी दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है, भ्रष्टाचारी लोग उसी मंत्री बनकर रह रहे हैं, चाहे वो चिक्की घोटाला हो, चाहे व्यापक घोटाला हो, चाहे खनन घोटाला हो, चाहे शिक्षा घोटाला हो, सब उसी तरह से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो बातचीत है सरकार का, यही आरोप है ना कि कांग्रेस ने ही भ्रष्टाचार किया, इसलिए हमें आज काम करने का मौका मिला, सरकार बनाने का मौका मिला है, उसको आप किस तरह से लेते हैं? क्योंकि ये जनता का फैसला है, जनता फर्जी है, कांग्रेस के टाइम पर जो जनता फर्जी है, कांग्रेस के टाइम पर जो हुआ सब पर कार्रवाई हुआ, आज के टाइम पर जो हो रहा है व्यापक घोटाला, ये सोनिया गांधी जी पर कौन सा व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हुई? कॉमनवेल्थ घोटाला में 500 आदमी कलमाड़ी जी पकड़े गए, कौन से जेल में भेज दिया कलमाड़ी जी? मध्य प्रदेश में जो गवाह थे उनको मार दिया गया, जब से सीबीआई का जांच डिक्लेयर हुआ है तब से वो हत्या बंद हुआ है, नहीं तो मारा जा रहा था, सीबीआई के जांच आने के बाद हत्या बंद हुआ है। उसी तरह से वो जो इनका साथी जो है यहाँ से काला धन लेके फरार है 600 करोड़ लेके, उसी को ये लोग मदद करने नहीं, में लगे तो फरार किसके टाइम पे हुआ वही तो मैं जानना चाहता हूँ, कैसे फरार हो गया? नहीं कैसे फरार हुआ आप बता सकते हैं कि माननीय सुषमा स्वराज जी उनको लेटर दी है, लेटर सुषमा स्वराज जी लेटर, और ये गलत, माननीय वसुंधरा राजे जी नहीं, मदद सुषमा स्वराज जी उस टाइम पे मंत्री थी जब वो यहाँ से गायब हुए, सुषमा स्वराज जी मंत्री थी, आज के डेट में भी की है,
सुषमा जी करना चाहिए सब। अगर मानवता के तौर पे, मानवता के तौर पे कोई किसी की चलता ही रहेगा, एक आरोपी का समझना होगा कि लड़की जब भी मंत्री की लड़की वकील है के सामने लड़की की मदद कर रही है साथ आता है तो ये संदेश देने का काम करता है। सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन जब कांग्रेस को लगता है कि वाकई हमारे ऊपर डराने धमकाने की कोशिश हो रही है, हमको दबाने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ सरकार अगर कहती है कि हम बदले की भावना से काम नहीं कर रहे हैं, तो इस देश की जनता को इंतज़ार करना चाहिए कि अगर अदालत में 19 तारीख को जो फैसला आएगा उसको लेकर राहुल गांधी या सोनिया गांधी को डरने की ज़रूरत है कि नहीं। लेकिन फिलहाल देश की जनता डरी हुई है महंगाई से, भ्रष्टाचार से और उन वादों से जिसके साथ कहीं ना कहीं से उसके मन के साथ खिलवाड़ हुआ है, और एक जो सच है उसका सामना अब देश की जनता तैयार है उसका सामना करने के लिए, क्योंकि अदालत में फैसला है नेशनल हेराल्ड को लेकर, और इसका जो जो भी सच होगा वो तो सबके सामने आएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की तरफ से आप अपनी चर्चा में इस अपनी बात रखने के लिए जयप्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रविंद्र द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और न्यूज़ रूम से जुड़ने के लिए प्रदीप शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है जिस रूप में अपना रंग दिखाता जा रहा है, और बड़े बड़े नेता जब कहते हैं कि हमें डराने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, हम फला हैं चिला हैं, लेकिन इस देश की जनता को पूर्ण रूप से अधिकार ये भी जानने का है कि किसने सही काम किया है किसने गलत। कल फिर किसी अलग मुद्दे के साथ हम इस खास कार्यक्रम में शामिल होंगे और बात करेंगे देश और दुनिया की कि फिलहाल क्या स्थिति है और हमें किस कदर इन मामलों से सरकार लेना पड़ता है या लेना चाहिए। तो आज के लेमन प्राइम टाइम में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए लेमन न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।